और अपना इलाज करा रहे हैं। असी जड़ा है ऐसे पीडब्ल्यूडी तो कोटा के बिन बनाया है, टोटल साढ़े हमने इस टाइम पे 519 मोहल्ला क्लिनिक है जिन्हें 498 साढ़े एयर कंडीशन मॉर्निंग है। ओके हां, तो 498 मॉर्निंग। हां जी 498 मॉर्निंग है। मतलब इतनी केड़ी-केड़ी है पहले रजिस्ट्रेशन बताओ कैसे कराते रजिस्ट्रेशन पहले पहले मरीज इतने आंदा है ते साडी एएनएम है साडे चार लोग होंदे मोहल्ला क्लिनिक एक डॉक्टर एक एएनएम एक फार्मासिस्ट और एक मल्टीटास्कर पहले मरीज इतने आंदा है मैडम ओदी रजिस्ट्रेशन कर दी टैबलेट हुन असी सारा आईटी पे चले रहे हैं टैबलेट दिन का सारी एंट्री मरीज आंदा है ओदा नाम ओदा आइडेंटिटी प्रूफ ओदा सारे डिटेल्स वो एडिश पूछ रहे हैं जो पेशेंट की एंट्री हो जाती है उसके बाद पेशेंट इतने एंटर करता है एंटर करके डॉक्टर साहब के कोल भी टैब है सेम कनेक्टिविटी तो डॉक्टर साहब इसे एंट्री करती है उसका जिन्हें भी वाइटल्स अगर जरूरी है बीपी पल्स उनका ब्लड शुगर देखना है ब्लड प्रेशर देखना है सारी चीज़ें देख के एंट्री हो जाती है डॉक्टर साहब उन्होंने सिम्टम पूछ के एग्जामीनेशन करके पीछे साड़ा एग्जामीनेशन टेबल है पूरा एग्जामिन करके शी राइट्स ऑल द सिम्टम्स जो भी उन्होंने देना है उन्होंने जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है जो ये सोचते हैं कि अब इन्हें यह बीमारी निकली है वो एंटर कर देते हैं उसके बाद इन्होंने दवाई लिखी जाती है हूँ अगर पेशेंट को लैब टेस्ट कराने हैं तो पेशेंट वापस जोड़ा है ए एन एम के कोल जाता है वो लैब टेस्ट होता है सैंपल ले लेते सारे अच्छा अच्छा यूरिन है ब्लड टेस्ट है 212 टेस्ट अभी हो रहे हैं और आगे बढ़ा कलेक्शन है साड़ी ए एन एम करती है वो कलेक्ट कर लेती है फिर कोई लैब आके इनसे सैंपल ले जाती है सेंट्रलाइज यहाँ पर सारे टेस्ट होते बड़े से बड़े KFT, LFT, विटामिन डी कई लोग तो मेरे पास आए सारे टेस्ट फ्री कहते 12,000 के टेस्ट फ्री करा के आए तो लोग हिसाब बना के ले आते हैं अच्छा दूसरा इसमें एक चीज हो रहा है जो ये टैब में एंट्री जो भी करते हैं बाहर जो एंट्री करेंगे इन पर अपने आप आ जाएगी दोबारा नहीं करनी ये जो भी एंट्री करेंगे सामने चली जाएगी ये दवाइयाँ क्या देनी है उनको फिर उसको लिखने की जरूरत है सीधा पहुँच जाती है और जो सारे टेस्ट करने आता वो पहले दिन टेस्ट लेता है अगले दिन सवेरे रिपोर्ट इतने ही आ जाती है तो मरीज को कितने होर जाके रिपोर्ट कलेक्ट कर ऑनलाइन भी चढ़ जाते हैं जी ऑनलाइन भी चढ़ा शुरू करते हैं यहां से वो दवाइयां लेते हैं 95% कोई ये नहीं पूछा जाता अमीर है गरीब है उससे ये नहीं पूछा जाता दिल्ली का है पंजाब का है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग से किया हुआ है पर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट से सेंट्रलाइज नहीं करेंगे तो बहुत महंगी पड़ती है दवाई जैसे ग्रेटर कैलाश कैलाश सबसे पॉश दिल्ली की सबसे अमीर कॉलोनी है मुझे लगता था वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोलने का क्या फ़ायदा वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोला उन लोगों की डिमांड पे दो क्लिनिक खोले हमने एक दिन मैं चलते चलते सड़क से वैसे ही घुस गया अंदर इतने अमीर अमीर लोग वहाँ पे आए हुए थे अपना इलाज कराने के लिए बोले जी जो पर्सनल यहाँ पे अटेंशन मिलती है हमें सर अभी जीके के कई लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं मिलते ही जाएंगे हमने चले बैठे हैं अच्छे वेलकम उन्होंने बात कर ली हमसे बेटा डोंट पुश भगवान जी बात करना जो लोग बैठे हैं ना इनसे बात करो जरा सर आप जी पटारी राड़े आले संत जो है ना उन्होंने नाम ही मेरा पिंड है मैं इतने 60
ਪੈਂਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਲੇ ਖਾਧੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। अंकल जी, एक चीज, डॉक्टर कैसे हैं? डॉक्टर तो मेरी बेटी की तरह, मेरी बेटी भी डॉक्टर, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो गाड़ना भी है, मेरे काम की नहीं है। और उसके हस्बैंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो भी मेरे काम के नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, बेटी की तरह ट्रीट करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर का पेशेंट का रिश्ता है, बस वो है। जब आता है ना पेशेंट, तो उसको पहचानते हैं, अंकल जी क्या हाल है, ये क्या घुटने ठीक है नहीं है, मतलब उनका आपस में रिलेशन बन गया ना, पेशेंट का और डॉक्टर रिलेशन। मेरी बेटी मेरे नाम एक दफा औखा बोलन दी है, लेकिन ये डॉक्टर जड़ी है ना, मैं अपनी बेटी तो भी ज्यादा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो पंजाबी बोलने वाले मिल गए सारे। आप देख लो, मैं फिर मेरे को अस्पताल जाना, मैं अस्पताल निकलता हूँ। नजर आ रहा है।